इट्स संदिल वॉइस। क्या कभी सोचा है कि हम जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वो गलती होती है एक इंसान का ये समझना कि उसके पास वक़्त ही वक़्त है। टाइम यानी वक़्त फ्री होता है, बहुत आसानी से इसे पाया जा सकता है, लेकिन इसका मालिक नहीं बना जा सकता। इसे यूज़ तो किया जा सकता है पर एक लिमिट के साथ। इसे जमा नहीं किया जा सकता लेकिन खर्च ज़रूर किया जा सकता है, और जब इसे खो दिया जाए या खर्च कर दिया जाए देन यू कैन नॉट रिगेन इट। हमारे मुल्क में एक इंसान की औसत उम्र यानी एवरेज उम्र 68 टू 70 ईयर है, और एक कैलकुलेशन के हिसाब से इन सालों में कम 23 ईयर्स यानी 23 साल एक इंसान सोता है, जबकि 10 साल से ज़्यादा का वक़्त काम करने में गुजरता है। 50-60% लोग वो ऐसे होते हैं जो अपनी करंट जॉब्स को पसंद नहीं करते, वो उससे नाखुश होते हैं, वो उसे छोड़ना चाहते हैं। वक़्त बहुत ज़्यादा कीमती है, पैसों से भी ज़्यादा कीमती है। तुम कुछ ज़्यादा पैसे तो आसानी से कमा सकते हो बट गेटिंग एक्स्ट्रा टाइम इज़ नॉट पॉसिबल। हम एक और बार अगर कैलकुलेशन करें तो 8 से 9 साल आज के ज़माने में एक इंसान टीवी और सोशल मीडियाज़ पर स्पेंड करता है, तकरीबन 4 या 5 साल खाने पीने और एजुकेशन पर खर्च करता है, 2.5 से 3 साल खुद के आउटर लुक को बेहतर बनाने और शॉपिंग में जाते हैं, दूसरे काम जैसे बच्चों को संभालना, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातें करना, सब में 4 से 5 साल का वक़्त स्पेंड होता है, और ये सब करने के बाद हमारे पास बचते हैं 12 से 13 साल। तो इसे कैसे जिए? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम्हारे पास वक़्त लिमिटेड है तो इसे दूसरों की ज़िंदगी जीने में वेस्ट मत करो। एक बात याद रखो, तुम्हारे लिए एक चीज़ अच्छी और एक बुरी हो सकती है। बुरी चीज़ ये हो सकती है कि टाइम उड़ता जा रहा है, और अच्छी चीज़ वो ये है कि पायलट तुम हो। सोचो अगर हर नए दिन तुम्हें 86,400 सेकंड्स की जगह 86,400 रुपये मिले होते तो क्या हम उसे वेस्ट कर देते, जबकि ये सेकंड्स रुपये पैसों और जायदादों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं। एक पूरे साल के वक्त की कीमत अगर मालूम करनी हो तो किसी ऐसे स्टूडेंट से पूछो जो पिछली क्लास में फेल हुआ हो। एक महीने की कदरों कीमत अगर मालूम करनी हो तो उससे पूछो जिसे पिछले माह उसकी तनख्वाह ना मिली हो। एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में रहा हो। एक दिन की कीमत उससे पूछो जिसे सारा दिन बुखार रहा हो। एक घंटे की कीमत अगर मालूम करनी हो तो उससे पूछो जिसे किसी का इंतज़ार रहा हो। एक मिनट की कीमत पूछो किसी ऐसे शख्स से जिसने एक मिनट लेट हो जाने की वजह से अपनी बस, ट्रेन या फ्लाइट मिस की हो। एक सेकंड की कीमत मालूम करना किसी ऐसे शख्स से जो एक सेकंड की वजह से किसी बड़े हादसे से बाल बाल बचा हो, किसी एक्सीडेंट से बचा हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये लोग हैं जो हमारा वक़्त बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि ये हम खुद हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए मौके दे रहे हैं। किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी हैंडल करने का मौका ना दो। कभी कभी हम अपने सबसे प्यारे इंसान को खो देते हैं क्योंकि हमने उसको उस वक़्त टाइम नहीं दिया होता है, उस वक़्त उनकी कदर नहीं की होती है जब वो हमारे पास हुआ करते थे। हम उस शख्स की कीमत को, उस शख्स की वैल्यू को उस वक़्त समझ पाते हैं जब वो हमसे दूर जा चुका होता है। हर इंसान के अंदर 2 अलग-अलग आवाज़ें छुपी होती हैं, एक वो जो हमें मोटिवेटेड रहने, उठ खड़े होने, सही रास्ते पर चलने और अच्छे काम करने को कह रही होती है, दूसरी वो जो हमें बस पीछे खींचने और नीचा दिखाने में लगी होती है। नाउ चॉइस इज़ योर कि तुम्हें क्या चूज़ करना है। ज़िंदगी और वक़्त ये दोनों बेहतरीन टीचर्स हैं। ज़िंदगी हमें वक़्त का सही इस्तेमाल करना सिखाती है और वक़्त हमें ज़िंदगी के कीमती होने का एहसास दिलाता है। और जैसा कि मिस्टर शेक्सपियर कह गए हैं कि वक़्त बहुत आहिस्ता होता है उन लोगों के लिए जो ऐसा चाहते हैं कि ये आहिस्ता हो, लेकिन यही वक़्त बहुत फास्ट भी होता है ये उन लोगों के लिए जो डरे होते हैं, बहुत तवील होता है उन लोगों के लिए जो मायूस होते हैं, और बहुत छोटा होता है उनके लिए जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जश्न मना रहे होते हैं, और प्यार करने वालों के लिए, मोहब्बत से रहने वालों के लिए, एक दूसरे को चाहने वालों के लिए ये एंडलेस होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला। सो व्हेन यू हैव टाइम, रिस्पेक्ट पीपल एंड द टाइम एंड थैंक गॉड फॉर एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ।